नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 1 को पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को कि चैप्टर 8 जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, वो लगभग 28 श्लोक्स के हैं, तो काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, किं तद् ब्रह्मा, किं अध्यात्मं, किं कर्म पुरुषोत्तमा, अधिभूतं च किं प्रोक्ताम्, अधिदैतवाम् किं उच्यते। अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट आर फ्रुइटिव एक्टिविटीज, what is the material manifestation and what are the demigods, please explain this to me। तो अर्जुन ने एक साथ में बहुत सारे questions किए हैं हमारे कृष्ण भगवान को। सो यहाँ के explanation को देखते हैं। In this chapter Lord Krishna answers different questions from Arjuna beginning with what is Brahman। The Lord also explains karma, fruitive activities, devotional service and yoga principles and devotional service in its pure form। The Srimad Bhagavatam explains that the supreme absolute truth is known as Brahman, Paramatma and Bhagavan। In addition, the living entity, the individual soul is also called Brahman। Arjuna also inquires about Atma, which refers to body, soul and mind। According to the Vedic dictionary, Atma refers to the mind, soul, body and senses also। Arjun has addressed the Supreme Lord as Purushottama, Supreme Person, which means that he was putting these questions not simply to a friend but to the Supreme Person, knowing him to be the Supreme Authority, able to give definitive answers। तो अर्जुन के पास बहुत सारे सवाल एक साथ में आए हैं मन में, जैसे ब्रह्मन क्या है, कर्म क्या है, कर्म के फल के बारे में, हमारे आत्मा के बारे में, सब कुछ के बारे में उसको एक साथ जानना है। डेमीगॉड्स क्या है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जो मटेरियल वर्ल्ड में चीजें, इच्छाएं क्या है, इच्छाएं कैसे पूर्ण होती है, तो सब कुछ उसको जानना है। तो भगवान एक एक करके उनके पास जितने भी आंसर्स है वो एक एक करके अर्जुन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स सीखेंगे। उन्होंने भगवान को डायरेक्टली पूछा है क्योंकि उसको पता है अर्जुन को कि भगवान के पास सारे चीजों के सवाल के आंसर्स होंगे, तो उसके जितने भी डाउट्स थे जब बातचीत हो ही रही है तो उसने सोचा कि भगवान से सारे ये सवाल आप भी कर ही लेते हैं। सो अगले श्लोक में हम जानेंगे कि उनके मतलब अर्जुन के और भी कुछ सवाल, और तीसरे श्लोक से भगवान उसको आंसर देना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।